देखा आपने, सिक्का जब हमने डाला तो पानी में बिल्कुल डूब गया। पेन पानी के बिल्कुल पृष्ठ पर तैर रहा है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा डूबा हुआ तैरता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? कभी सोचा? ये सभी घटनाएं तैरने के सिद्धांत पर हैं। तो तैरने का सिद्धांत क्या है? वो ये है, यहाँ पर ये पेन है, इस पेन को हमने पानी के पृष्ठ पर रख दिया, अब ये पेन तैर रहा है। तो तैरने में क्या होगा कि इस पेन द्वारा हटाए गए पानी का भार इस पेन के भार के बराबर है। इसी तरीके से लकड़ी के टुकड़ा, इस लकड़ी के टुकड़े ने जितना पानी हटाया उसका भार लकड़ी के टुकड़े के भार के बराबर है, इसलिए ये लकड़ी का टुकड़ा और ये पेन तैर रहा है। लेकिन सिक्का, सिक्के के द्वारा हटाए गए पानी का भार कम है और सिक्के का भार अधिक है, जिसके कारण सिक्का डूब जाता है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ये सिक्का है, इस सिक्के को हम पानी पर डालते हैं, ये देखिए डूब जाता है। अब दूसरा, ये एक सुई है, ये भी लोहे की बनी है, लेकिन इस सुई को अगर हम पानी के ऊपर डालते हैं इस ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से, कि ये ब्लॉटिंग पेपर धीरे धीरे पानी के अंदर नीचे जाता जा रहा है, तो आपने देखा कि ये सिक्का डूब गया था और सुई पानी के पृष्ठ पर देखो तैर रही है। ऐसा क्यों होता है?
हमारे दर्शक गुरुजनों से अनुरोध है कि वे बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं, रुचियों से संबंधी विचार हमारे साथ अवश्य बांटें। इसके लिए उन्हें हमारे पते की आवश्यकता है। हमारा पता है, दीक्षा राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, उत्तर प्रदेश, निषादगंज, लखनऊ 226007। दीक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।